हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच के अंतर को जानेंगे। ये दोनों बॉर्डर्स भारत के जम्मू कश्मीर में ही हैं, लेकिन दो अलग अलग देशों के बीच। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच की सीज़ फायर लाइन है, जिसे इन दोनों देशों ने आपसी सहमति से मिलिट्री बॉर्डर लाइन मान लिया था। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर पर हमला कर एक बड़े भाग पर कब्जा बना लिया था, जिसे हम POK बुलाते हैं। और इस POK और हमारे जम्मू कश्मीर की मिलिट्री बॉर्डर है ये LOC। लेकिन एक खास बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। पहले इसे सीज फायर लाइन कहा जाता था, लेकिन 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद इसका नाम LOC रख दिया गया। LOC की बॉर्डर तकरीबन 740 किलोमीटर लंबी है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी बात कर लेते हैं। सुनने में तो ये भी LOC जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। है तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच। मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत के जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन, जिस पर चीन का कब्जा है, के बीच की मिलिट्री बॉर्डर है। ये LOC 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बनी थी। अब भारत चीन के बीच एक और मिलिट्री बॉर्डर है, मैकमे लाइन अरुणाचल प्रदेश में। तो कहा यह भी जाता है कि LOC जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक भारत चीन के बीच की मिलिट्री बॉर्डर है, जो कि 4056 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों, ये था लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच का फ़र्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।